तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जो कल बीएड की काउंसलिंग होने वाली थी वो हो चुकी है अब रद्द। अभी तक कोई नेक्स्ट डेट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आती रहती है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि बीएड की जो काउंसलिंग कल होनी थी यानी 19 अक्टूबर को होनी थी वो होगी रद्द ड्यू टू लेट रिजल्ट, यानी क्योंकि थर्ड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। किसी के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ कोर्सों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कम्प्लीटली रिजल्ट नहीं आना। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई थी और 5 सितंबर को उसके रिजल्ट जारी कर दिए थे। उसके बाद काउंसलिंग पहले भी एक डेट आई थी, लेकिन तब भी वो रद्द हो चुकी थी, और इस बार भी जो डेट आ गई वो फिर से रद्द हो गई, यानी कल की डेट थी। नहीं, अभी कोई घोषित नहीं कि जो भी नई डेट होगी, वो अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि किस दिन ऐसा होगा। अब किस दिन वो क्यों नहीं किया, क्योंकि थर्ड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया, तो कैसे कर देंगे। वैसे काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंसलिंग कर सकते हैं, बट काउंसलिंग करने के बाद अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा कुछ हुआ तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ, तो फिर तो सारी प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अगर मैं काउंसलिंग कराऊँगे तो फीस की प्रोसेस भी होगी, तो इसीलिए अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी काउंसलिंग? अब काउंसलिंग मैं बात करता हूँ अगर यूपी की, आप तो देखें कि जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है बीएड की, जो लखनऊ के जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होती है, मतलब मेन ब्रांच। अब वो यूपी में क्या है कि पूरा का पूरा डिपेंडेंसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि सारी यूपी में तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी फैली हुई है। अब ऐसे में जब उसने सारे कोर्सों के रिजल्ट नहीं जारी करे तो कहाँ से काउंसलिंग हो जाएगी? अब जब तक रिजल्ट नहीं जारी होते तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। अब चलिए बात करता हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक की। बात यह है कि जैसे कि निजी कॉलेज शिक्षण संस्थाएं होती, वे निःशुल्क प्रवेश परीक्षा करा, मतलब प्रवेश करा देते थे, तो इस बार वो जो निःशुल्क प्रवेश हो जाते थे वो रद्द कर दिया है। अब निःशुल्क प्रवेश नहीं होंगे, ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। बात करता हूँ आरक्षण की। जो बीएड काउंसलिंग में आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण तो मिलेगा, हालांकि यह केवल सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों में ही रहेगा। निजी महाविद्यालयों में यह सुविधा अब आरक्षण की भी नहीं होगी, तो ऐसे में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये तो आपको पता ही क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जितने भी निजी शिक्षण थे उसमें निःशुल्क की प्रवेश की जो निःशुल्क प्रवेश होते वो सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं है। इस बार शायद पैसे लगेंगे जितनी फीस होगी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके लिए। तो अभी तक के लिए इतनी न्यूज थी। जैसे कोई बीएड की नई डेट आती है, कुछ भी हेरा फेरी होती है, तो मैं आपको सबसे पहले बता ही दूंगा यहाँ पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।